हेलो भाई, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल अंकित डीटी। ये हमारी टेली प्राइम विद जीएसटी बेसिक टू एडवांस कोर्स सीरीज है, जिसमें आपको टेली का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और आपको साथ ही पार्ट बाय पार्ट वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल में एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार के टॉपिक को छोड़ने की कोई भी कोशिश नहीं की जाएगी। और अगर आप पार्ट बाय पार्ट वीडियो सीरीज देखते हैं तो दोस्तों आप एक एडवांस अकाउंटिंग टेली में आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियोज में रेगुलर बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब भाई अपन पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ टेली में और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं और कॉन्ट्रा वाउचर में किस किस तरीके की एंट्री करते हैं। इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले भाई आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रा वाउचर में अपन कितने तरीके की कौन कौन सी एंट्री करते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर में अपन जनरली तीन ही तरीके की एंट्री करते हैं, वो अपनी एंट्री हैं कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक। यानी कि यहाँ पर अपने सामने तीन तरीके की कंडीशंस होती हैं। पहला, अपन कैश ट्रांसफर करें किसी बैंक टू बैंक अकाउंट में, या फिर किसी अपन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉ इनटू बैंक। ये तीन कंडीशन अपने सामने होती है। तीनों पर अभी अपन एक एक एंट्री करने वाले हैं ताकि उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी टैली स्क्रीन में। यहाँ अपन चलते हैं सबसे पहले कोई भी एंट्री करने के लिए ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर में चलते हैं। वाउचर में जाने के लिए सबसे पहले अपन वी प्रेस करते हैं। वी प्रेस करते हुए अपन वाउचर में पहुंच जाते हैं। अब अगर अपन कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कर रहे हैं तो अपन को वाउचर भी कॉन्ट्रा का ही ओपन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रा वाउचर यहां अपन को फंक्शन बार में शो हो रहा है F4 की, जिसकी शॉर्ट की है कॉन्ट्रा वाउचर। तो सिंपली यहाँ पर अपन को क्लिक कर देना है। जैसे अपन कॉन्ट्रा वाउचर में पहुँच जाते हैं तो उसके बाद आपका यहाँ पर वाउचर किस मोड में ओपन है वो आपको ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर भाई आपको डेबिट क्रेडिट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, वो भाई आपको बताया हुआ है डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं, और इस वीडियो में भी अपन उसको नॉर्मली जैसा होता है वो समझ लेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है, यहाँ पर चेंज मोड में आना है। यहाँ आप सिंगल एंट्री या डबल एंट्री मोड में कैसे भी एंट्री करते हैं उसको ओपन करना है, लेकिन यहाँ अपन डबल एंट्री मोड में कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे। तो डबल एंट्री मोड पर एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ अपन पहुँच गए हैं डबल एंट्री मोड में। अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अपन को लिस्ट ऑफ लेजर में ओनली कैश और बैंक का ही लेजर शो हो रहा है, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये अपना कॉन्ट्रा वाउचर है। तो चलिए अपनी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अपनी एंट्री आती है कैश ट्रांसफर फ्रॉम SBI बैंक टू PNB बैंक। अब यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट का ये रूल ध्यान में रखना है। यहाँ अपनी कैश और बैंक दोनों ही एसेट्स हैं। जब एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, घटती है तो क्रेडिट करते हैं। अब SBI बैंक से पंजाब नेशनल बैंक में अपन कैश ट्रांसफर कर रहे हैं तो अपने पंजाब नेशनल बैंक में अमाउंट बढ़ी, यानी कि वहाँ पर संपत्ति बढ़ी तो उसको अपन डेबिट कर देंगे। SBI बैंक से डिक्रीज हुई संपत्ति तो यहाँ से इसको क्रेडिट कर देंगे। सेम वही सिचुएशन अपनी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि अपन से कैश कम हुई तो कैश को क्रेडिट कर दिया। बैंक में अपन कैश जमा करवाए तो बैंक की कैश बढ़ी तो यहाँ से बैंक को डेबिट कर दिया। सेम यही कैश विड्रॉ इनटू बैंक, यानी कि कैश अपने पास बढ़ रही है और बैंक से अपन कैश ले रहे हैं तो वहाँ से घट रही है तो इसको क्रेडिट कर दिया। ये नॉर्मल सी कंडीशन है दोस्तों, आपको लग रहा है आसानी से समझ में आ गई होगी। तो चलिए सबसे पहले एंट्री अपन कर लेते हैं 1-4 को। तो टैली में चलते हैं, F2 की प्रेस करते हैं, यहाँ से 1-4 इंटर। उसके बाद अपनी एंट्री यहाँ पर है पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक। अब यहाँ पर अपन को टैली में ये 2 और बाई का जरूर जरूर ध्यान रखना है। अब 2 में यहाँ पर अपना था SBI बैंक, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर 2 में SBI बैंक को ही सिलेक्ट करवाएंगे। जैसे ही SBI बैंक को सिलेक्ट करवाते हैं उसके बाद अपन अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट यहाँ पर है 10,000 रुपीज, यहाँ पर 10,000 रुपीज इंटर करवाते हैं। उसके बाद आप यहाँ से बैंक एलोकेशन डिटेल डाल देते हैं, ट्रांजेक्शन टाइप, चेक अमाउंट, यहाँ से इंस्टेंट नंबर इसके डाल सकते हैं, इंटर इंटर अगर आप डालना चाहो तो दोस्तों डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़्यादा यहाँ पर नीड नहीं है क्योंकि अपन एजुकेशन मोड पर टैली को लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ये अपना बाई है तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। अब PNB बैंक का अपने पास कोई लेजर नहीं है तो सबसे पहले यहाँ से ओल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं, यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, इंटर। अंडर इसको अपन रखेंगे बैंक अकाउंट के अंडर, कोई भी अपना बैंक अकाउंट है उसको अपन बैंक अकाउंट के अंडर रखते हैं। जैसे इसको इंटर प्रेस करते हैं यहाँ से अपन अकाउंट नंबर डाल देते हैं, इंटर। यहाँ से अपन IFS कोड डाल देते हैं, इंटर। उसके बाद
स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपन बैंक नेम डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अपन ने सही यहाँ पर डिटेल्स नहीं डाली है, अपन ने ओनली एक एग्जाम्पल के तौर पर डाली है। तो यहाँ से अपन को नॉट अप्लीकेबल दिखा रहा है, अदरवाइज आप यहाँ नाम भी डाल सकते हैं। ब्रांच अपन यहाँ से इसके डाल देते हैं, एंटर। उसके बाद बैंक कॉन्फ़िगरेशन को एज इट इज रखते हुए यहाँ पर अपन एड्रेस डाल देते हैं, एंटर। स्टेट अपना राजस्थान, कंट्री इंडिया। उसके बाद पिन कोड अपन यहाँ से डाल देते हैं, एंटर। जीएसटी नंबर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। यहाँ से पीएनबी बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक 10,000 रुपये आ जाते हैं। इंटर प्रेस करवा दीजिए, उसके बाद वापस एंटर, एंटर। उसके बाद अगर आप बैंक नेम डालना चाहते हैं तो यहाँ से आएंगे स्पेसिफाई बैंक अकाउंट, और यहाँ से आप डाल देंगे पीएनबी बैंक। उसके बाद यहाँ से नरेशन डालते हुए इंटर प्रेस करवा के इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये अपने कॉन्ट्रा वाउचर में पहली एंट्री हो गई है। अब यहाँ से अपने बैंक के 2 अकाउंट बन गए, तो दोनों अपन को यहाँ से शो हो रहे हैं, साथ ही यहाँ पर कैश का अकाउंट भी अपन को यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद सेकेंड एंट्री अपनी आती है, यहाँ पर देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर अपन बैंक में कैश जमा करवाते हैं तो उस टाइम कैसे एंट्री करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में, 1/5/2021 सबसे पहले इसकी डेट चेंज करते हैं, F2 1/5, इंटर। उसके बाद कैश क्रेडिट है अपना, तो यहाँ से कैश को क्रेडिट करवा देंगे, 25,000 इसकी अमाउंट है। उसके बाद यहाँ से बाई में अपन बैंक को सिलेक्ट करवाएंगे, SBI बैंक, इंटर। 25,000 अपने ऑटोमेटिक आ जाते हैं, इंटर प्रेस करवाते हुए। यहाँ से आप डिनोमिनेशन दे सकते हैं कैसे कैसे करके, आपकी टोटल 25,000 अमाउंट थी, तो यहाँ से अपन 2,000 के आगे लिख देते हैं 12, इंटर। उसके बाद 1,000 के आगे लिख देते हैं अपन 1, इंटर। टोटल अपनी 25,000 अमाउंट आ गई, इंटर। उसके बाद यहाँ से बैंक नेम आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, यहाँ से स्पेसिफाई बैंक नेम SBI बैंक, इंटर। और यहाँ से नरेशन डालते हुए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा सकते हैं, या तो इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। अब लास्ट एंड फाइनल एंट्री अपन यहाँ से कर लेते हैं, ये देखते हैं दोस्तों। अपनी लास्ट एंट्री है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल कैश विड्रॉ इंटू बैंक 15,000 रुपीज़, यानी कि बैंक से अपन ने कैश विड्रॉल किया। 1/6 को यह अपनी एंट्री होनी है, तो F2 की प्रेस करेंगे, 1/6, इंटर। उसके बाद यहाँ से 2 में अपना होने वाला है यहाँ पर बैंक अकाउंट, तो यहाँ 2 में अपन बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करवा देते हैं, बैंक अकाउंट। यहाँ से 15,000 इसकी अमाउंट है, इंटर इंटर इंटर। इंस्टेंट नंबर यहाँ से डाल सकते हैं, इंटर इंटर। और उसके बाद बाई में ये अपना कैश आ रहा है, तो यहाँ से अपन कैश को ही सिलेक्ट करवाते हुए इंटर प्रेस करवा देते हैं। ये अपनी एंट्री हो गई है एक्सेप्ट, यानी कि अपन ने तीनों टाइप की एंट्री कर ली है। अगर भाई आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप वहीं पर हमें पूछ सकते हैं। अब इनकी चलिए रिपोर्ट्स देख लेते हैं। नॉर्मली दोस्तों इसकी रिपोर्ट्स अपन ऑल्ट के साथ जी प्रेस करते हैं। यहाँ से अपन टाइप करेंगे कॉन्ट्रा, और यहाँ कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाते हैं। जैसे इंटर प्रेस करते हैं, ये तीन एंट्री अपन ने की है, 10,000, 25,000, 15,000। यहाँ भी अपन ने तीन एंट्री की है, 10,000, 25,000 और 15,000। तीनों यहाँ से अपन को सेम एंट्री मिल जाती है। किसी भी एंट्री को टोटल देखना चाहते हैं तो वापस इंटर प्रेस कीजिए, यहाँ से आप पूरी एंट्री को चेक कर सकते हैं। उसके बाद वापस अपन ऑल्ट के साथ जी प्रेस करते हैं, यहाँ टाइप करेंगे कैश, और यहाँ अपन कैश बैंक बुक में इंटर कर देते हैं। यहाँ अपन को एंट्री दिख जाती है कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट। ये दोस्तों अपनी पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक और ये जो कैश अपना है, ये तीनों अपन को यहाँ से मिल जाते हैं। अब अपन इसकी यहाँ से सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ एसबीआई बैंक में आते हैं तो आपको यहाँ से एंट्री मिल जाती है, यानी कि अपन ने मई में एंट्री की थी, तो यहाँ से मई में अपन को कॉन्ट्रा वाउचर की एक एंट्री ये मिल जाती है। साथ ही अपन ने जून में भी एंट्री की थी, तो कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री ये मिल जाती है। साथ ही अपन यहाँ अगर कैश में भी देखना चाहते हैं तो इस पर एंटर करते हैं, और यहाँ से अपन ने कैश की एंट्री भी मई में की थी, तो यहाँ कॉन्ट्रा वाउचर की अपने को एंट्री मिल जाती है, और शायद जून में भी अपन ने की थी, यहाँ से भी अपन को मिल जाती है। तो भाई उम्मीद है आपको ये सब आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।